हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए, कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं रहे। ओके, यूनिवर्स से, डिवाइन से यही प्रे है हमारी। और डियर, आज का टॉपिक जो है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आज हमारा जो फोकस है वो आपके पार्टनर जो है उनकी एक्टिविटी को देखने के ऊपर है कि आपके पार्टनर की एक्टिविटी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर, और आपके पार्टनर क्या कुछ थर्ड पार्टी को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में पड़े रहना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं निकल नहीं रहे हैं, बार बार आपसे कहते हैं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा उस थर्ड पार्टी को, या फिर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, पर ले नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्या मजबूरी है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अगर डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो क्या मजबूरी है, और कब तक अगर डिसीजन लेंगे तो कब तक लेंगे, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या आपके पार्टनर आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपके साथ में आगे की लाइफ देखते हैं, तो वो चीजें हम देखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड्स आ गया कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, सब कुछ है, पर बता नहीं सकते। शायद इन्होंने ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं, शायद इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसके चलते आपके पार्टनर शायद आपको कुछ भी बता नहीं सकते हैं, कुछ भी आपको बोलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कस आपसे कर नहीं सकते हैं, ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है देखते हैं क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है डियर। आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है, जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, वहां पर उनको जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वहां पर वो जगलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपको दिखा नहीं पा रहे, शायद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ और पावर से रोकने की कोशिश करती है, शायद आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ और पावर में नहीं आ पा रहे, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन खड़ी करी गई है, कुछ ऐसे चीजें रखी गई है जहां पर आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर अपने आप को देखते हैं तो सारे विश फुलफिलमेंट को पूरा भी करना चाहते हैं। एक तरफ तो इनको लगता है कि नहीं, मेरे जो डिजायर है, मेरे जो सपने हैं, वो आप ही से है, तो आपके बारे में सोचकर ये इंसान जो है कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि इनको इनबैलेंस फील होता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है रूठ सी गई है, जिंदगी में खुशियां जो है कहीं दूर चली गई है, और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा इनबैलेंस फील करने लगे हैं। और यहां पर दिख रहा है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर इन्वॉल्व है, भले ही आपके पार्टनर इमोशनली गए थे या फिर कोई अट्रैक्शन था, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी थी, जहां पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुए थे। और डियर, अट्रैक्ट तो हुए ही हुए हैं, लेकिन यहां पर आपको भी पता चला है कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है इस थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत ही खराब रिश्ता है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में काफी आगे निकल चुके हैं, आपके पार्टनर काफी दूर इस थर्ड पार्टी के साथ में चले गए हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके लिए जो चीजें सोची थी वो कर नहीं पाए, वो आपको दे नहीं पाए, और दूसरी जगह पर उन्होंने अपने एफर्ट्स लगा दिए। यहां पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा नजदीक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चले गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पर पार्टनर बहुत जगलिंग कर रहे हैं, जहां पर पार्टनर को लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, और अभी वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर को देखना भी चाहते हैं, पर इमोशनली बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ में क्रिएट कर दी है आपके पार्टनर ने, या फिर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो है फिजिकली कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, और आपके पार्टनर यहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी को बता भी नहीं पा रहे कि ये थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में कोई
इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो ये जो अपनी जिंदगी का जो बैलेंस बनाने की सोच रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ अपना रुझान रख रहे थे, इनको बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की तरफ एक अट्रैक्शन हो रहा था, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर को प्यार ठुकराना पड़ा है। हो सकता है कि ये जो पार्टनर है थर्ड पार्टी की तरफ, आपके पार्टनर जा चुके हैं, वहां पर शायद थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशन है, या तो ये जो प्रेगनेंसी हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड पार्टी हो सकता है उसके कोई एक्स का इनका रिलेशनशिप था जिसके चलते ये प्रेग्नेंट हो गई है, और आपके पार्टनर जो है इसकी केयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बहुत आगे पहुंच गया है, जहां पर इस थर्ड पार्टी की प्रेगनेंसी का पता चल गया है, और आपके पार्टनर जो है यहाँ पर अपने कदमों को पीछे खींच रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ पर अपने कदमों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही थी थर्ड पार्टी उनको हर हाल में, हर चीज में, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो सुंदर लगने वाली थर्ड पार्टी थी, ये जो थर्ड पार्टी थी कि आपके पार्टनर को मतलब ऐसे लग रहा था कि दुनिया की सबसे अच्छी इंसान इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर सोच रहे थे। थी था पे ध्यान नहीं देना है, पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिखाई दे रही है अगर फीमेल है, और कुछ लोगों के लिए उनके जो पार्टनर है उनके पास में आपके पार्टनर जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अगर मेल है तो उनको गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर कोई खबर मिलने वाली है जो उनके लिए एक जी का जंजाल बन जाएगी, उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जहां पर उनको लगेगा कि ये क्या हो गया है ना। तो ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज जो है वो आपके पार्टनर को शॉक्ड कर रही है, आपके पार्टनर को एक बिजली का झटका दे रही है, और जिसके चलते आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं टूट से गए हैं। डियर, मैं फिर से बता दूं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल ओपन माइंड करके वीडियोस को देखिएगा, ऐसा मत ले लीजिए कि मेरी लाइफ का है, मेरा है, मेरी है जिंदगी, यार कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस वे में आपके पार्टनर जा रहे हैं, जिस तरह ये जगल कर रहे हैं, जिस तरह इनकी स्ट्रेंथ टूट रही है, कभी बन रही है, कभी तो बहुत पावर दिखा रहे हैं, तो ये इनको खुद को ही नहीं पता कि ये थर्ड पार्टी के लिए आखिरकार चाहते क्या है। एक तरफ जब आप इस पार्टनर को दूर हटने को कहते हो तो ये पार्टनर जो है टेढ़े हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका सपोर्टर हूं, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और जब थर्ड पार्टी टेढ़ी होती है, जब थर्ड पार्टी उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं उनको गिल्ट फील कराती है, लड़ाई लड़ती है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूरी बनाने लगते हैं, आपसे कहने लगते हैं कि भाई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाऊंगा मैं थर्ड पार्टी को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बहुत सारी चीजें यहां पर आपके पार्टनर बोलते हैं। मतलब खुद के ही थॉट्स पे काबू नहीं है आपके पार्टनर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के जो अभी हालात हैं, थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन अभी चल रही है, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा जगल कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के प्यार को ठुकराना चाह रहे थे, उसको अपनी जिंदगी से निकालना चाह रहे थे, और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर इसकी जिंदगी से निकल जाए। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ये नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर जो है इसकी जिंदगी से निकल जाए, तो इसने शायद कोई ऐसी खबर बनाने की कोशिश करी या झूठी खबर आपके पार्टनर तक दे दी जिससे आपके पार्टनर इसकी तरफ बंध जाए। तो ये कोई खबर जो है कुछ लोगों के लिए रियल हो सकती है और कुछ लोगों के लिए फेक हो सकती है, जिसमें थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उलझा रही है। मैंने कहा ना, देखिए कार्ड भी उसी तरह निकला है कि यहां पर थर्ड पार्टी कुछ छुपा रही है। हो सकता है कि ये बच्चा जो है, ये बेबी जो प्लान किया गया है, ये थर्ड पार्टी ने जो भी प्लानिंग करी है, कोई अपने एक्स का है या किसी ऐसी जगह से इस थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है इसके हस्बैंड से, जो भी है, फिर भी आपके पार्टनर को इसने उलझा के रखा है, फिर भी आपके पार्टनर को फंसा के रखा है, और ये अच्छे से जानती है कि अगर आपके पार्टनर को इस तरह से कंट्रोल करेगी, इस तरह से फंसाएगी, तो आपका पार्टनर जो है वो इसकी बातों में आ जाएंगे, आपके पार्टनर इसकी बातों को सुनेंगे। तो थर्ड पार्टी बहुत हाइड कर रही है, बहुत ही इसने सीक्रेट तरीके से आप
आपके पार्टनर पे होमवर्क किया है, आपके पार्टनर की हर एक एनर्जीज को पकड़ने की कोशिश करी, कब आपके पार्टनर जो है अपनी स्ट्रेंथ में आते हैं, कब आपके पार्टनर जो है अपनी पावर में आते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इस थर्ड पार्टी ने ऐसे ऐसे सीक्रेट रखे हैं पार्टनर से, ऐसे ऐसे राज रखे हैं जो सिर्फ राज ही है, पर इस थर्ड पार्टी का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो आपके पार्टनर को कभी कानों कान पता नहीं चलता है, क्योंकि थर्ड पार्टी है ही शार्प माइंडेड, थर्ड पार्टी है ही चालाक। यहां पर भी आपके पार्टनर को जो खबर मिली है, जो इसने दिखाने की कोशिश करी है, ये प्रेगनेंसी वाला जो सीन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत नजर रख रही है आपके पार्टनर की हर एक एक्टिविटी पर। उसको पता है कि पार्टनर कहां फोकस कर रहा है, पार्टनर क्या अचीव करने की सोच रहा है, पार्टनर के डिजायर क्या है, पार्टनर का सपना क्या है। तो ये सारी जानकारी जानते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी हिडन एनर्जी में है, बहुत कुछ छुपा के रखना चाहती है, बहुत कुछ छुपा रही है, और आपके पार्टनर को कानों कान खबर नहीं हो रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही शार्प माइंडेड है, बहुत ही चालाक है। इस थर्ड पार्टी का जो एक बुरा टाइम है ना, वो मुझे दिख रहा है। हालांकि यहां पर ये थर्ड पार्टी जो झूठ बोल रही है आपके पार्टनर से, जो गलत चीजें इस थर्ड पार्टी ने बोली है, जो गलत तरीके से ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की जो कोशिश कर रही है, इसमें इसको पता है कि रिस्क है। अगर आपके पार्टनर को सच पता चल गया, अगर आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ गई, तो ये थर्ड पार्टी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इस थर्ड पार्टी को यह अंदाजा है कि आपके पार्टनर को अगर सच का पता चल चुका, आपके पार्टनर को सच की बात पता चली, तो ये ऐसा ना हो कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, इसके कारण पूरा इसका लाइफ जो है वो खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ये अच्छे से जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी जो है उनको बता रही है, थर्ड पार्टी ने ये बताने की कोशिश करी है कि आपके पार्टनर की लाइफ जो है, आपके पार्टनर का कैरियर जो है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखने के नजरिया मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, आपके पार्टनर को, मुझे पता है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी छुपके पार्टनर की सारे सीक्रेट्स जानना चाहती है, उनके राज जानना चाहती है, उनके लाइफ के बारे में जानना चाहती है, उनके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर फोकस रख रही है, और बराबर आपके पार्टनर को ये स्पाई कर रही है, बराबर आपके पार्टनर को स्टॉक कर रही है, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपने कंट्रोल में करके, रिस्क तो ले रही है लेकिन कंट्रोल में करके, ये एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है जहां पर आपके पार्टनर्स पे ये कंट्रोल कर सके। बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही है, हो सकता है बहुत यंग लेडी है, और ये आपके पार्टनर के ऊपर राज करना चाहती है, ये आपके पार्टनर के एनर्जीज पे राज करना चाहती है, और इसके मन में सिर्फ यही बात है कि आपके पार्टनर जो हैं, इस थर्ड पार्टी का हर एक कहना माने, हर एक चीज माने, जैसे थर्ड पार्टी कह रही है, जैसे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर उसी तरह चलते चले जाए। थर्ड पार्टी का तो ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत बुरे हाल में है, थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, थर्ड पार्टी को बहुत नाराजगी हो रही है, थर्ड पार्टी को बहुत गुस्सा भी आ रहा है। पार्टनर पैसों को लेके थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी को अगर पैसा चाहे दे देंगे तो थर्ड पार्टी उनका पीछा छोड़ देगी, थर्ड पार्टी उनको परेशान नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर गलत सोच रहे हैं, बल्कि थर्ड पार्टी उनको स्टक कर देगी, क्योंकि आपके पार्टनर जो पैसे देने वाले हैं, जो भी आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ में डील हुई है, ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बार बार आपके पार्टनर के जज्बातों के साथ खेल रही है, बार बार आपके पार्टनर के फीलिंग्स के साथ खेल रही है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि चीजें जो है गलत दिशा की तरफ बढ़ रही है।
देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर से हिडन एनर्जी रखी है या फिर अचानक से उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुन के पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से जरूरत से ज्यादा परेशान हो चुके हैं। शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ये जानबूझ के किया है, कुछ तो ऐसी सिचुएशन खड़ी करी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ये फिजिकल रिलेशनशिप जो है हो जाए और उसके बाद ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ेगी, ऐसा इस थर्ड पार्टी का दिमाग चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो हिडन एनर्जी को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो वो बहुत सीक्रेट तरीके से काम कर रही थी, उसका मकसद सिर्फ आपके पार्टनर के हर एक एक्टिविटी पर था कि आपके पार्टनर कितनी ग्रोथ को हासिल कर रहे हैं। और जब वो ग्रोथ के नजदीक पहुंच जाएंगे या फिर सक्सेस के नजदीक पहुंच जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी पर एक ऐसा ग्रहण लगाएगी, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करेगी जहां पर आपके पार्टनर को आगे बढ़ पाना या पीछे आना ऐसा लगेगा जैसे कि जीवन में रिस्क लेना है। और ये थर्ड पार्टी जानबूझ के आपके पार्टनर के अच्छे खासे रिश्ते में दरार लाना चाहती है। इस थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें पता थी कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता चलता है। इस थर्ड पार्टी को ये भी पता था कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को मना कर दिया था, पर थर्ड पार्टी ने किसी तरह के अट्रैक्शन से किसी तरह की गलत चीजों का यूज करके आपके पार्टनर को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इतना ज्यादा झुका लिया कि आपके पार्टनर वो भूल गए, होश में रह नहीं पाए, है ना। इस थर्ड पार्टी की तरफ जो उन्होंने गलत हरकतें कर दी, गलत चीजें कर दी, इससे आपके पार्टनर का सब कुछ जो था, जो फ्यूचर था, जो लाइफ थी, है ना, सब कुछ दाव पे लग गई है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बदनाम कर देगी, अब ये थर्ड पार्टी सुकून से नहीं जीने देगी, इसीलिए आपके पार्टनर यहाँ पर स्टक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि ये थर्ड पार्टी किस हद तक जा सकती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का मुंह बंद करना चाहते हैं, इसको पैसे देना चाहते हैं, इसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये पता है कि ये थर्ड पार्टी के लिए कितना भी कर लेंगे लेकिन ये थर्ड पार्टी माइंड गेम खेलना नहीं छोड़ेगी, ये थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरह से प्लानिंग बनाना नहीं छोड़ेगी। और आपके पार्टनर इसकी प्लानिंग से डर रहे हैं, आपके पार्टनर को एक डर सता रहा है कि इस थर्ड पार्टी के लिए वो जो भी कुछ करेंगे ये थर्ड पार्टी उनको गलत रास्ते पर ही लाके छोड़ेगी। क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगर एक बार ठान लिया है कि वो आपके पार्टनर का फ्यूचर, आपके पार्टनर की लाइफ, आपके पार्टनर की रेपुटेशन पर उंगली उठाएगी तो यहाँ पर ये उंगली उठाएगी उठाएगी। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में एक जस्टिस होने वाला है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी करने की सोच रही है वहां पर शायद इसको ये खबर नहीं है कि जिस वे में ये पार्टनर की बदनामी करने का सोच रही है इसको कहीं ना कहीं खुद की बदनामी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इसकी बेइज्जती ज्यादा हो सकती है, कोई तो इसको बेइज्जत कर देगा कि तू अगर सही नहीं है या तुम्हारा रिश्ता अगर सही नहीं है तो इसमें पार्टनर गलत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी रही है जो तुम किसी भी रिश्ते को नहीं निभा पाई हो या नहीं निभा पाए हो। तो यहां पर इस थर्ड पार्टी को बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है और आपके पार्टनर की लाइफ, आपके पार्टनर के फ्यूचर को ये थर्ड पार्टी बस कसम खा के बैठी है कि इसको आपके पार्टनर की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उनको भी पता है कि आप बेकसूर हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया जा रहा है किसी तरह की प्रेगनेंसी का या फिर कुछ ऐसा फंसाने की कोशिश करी जा रही है आपके पार्टनर को कि वो उलझ जाए, स्टक करने की कोशिश में लगी हुई है ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये थर्ड पार्टी हर मोड़ पर आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर के फाइनेंस, आपके पार्टनर की एनर्जीज का फायदा उठाती है, लेकिन शायद ये बात ऊपर वाले को पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है, डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो जस्टिस कर रहे हैं। और जस्टिस होगा, ये दिख रहा है कि जो जस्टिस होगा ना वो बहुत ही अलग तरीके से होगा, ठीक है, बहुत ही अलग तरीके से होगा। और देखिएगा कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है जिसमें ये थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है, चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश जो कर रही है, ये कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इसकी जिंदगी जो है
वो पूरी तरह से अकेली रहने वाली है। इसको अकेलापन बहुत फील करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अकेलापन सताएगा, और ये चाहेगी कि नहीं यार ऊपर वाला मेरे साथ में जस्टिस कर दे, शायद मैंने किसी का गलत कर दिया है। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से किसी बात को लेकर कोई डिस्कस करना चाह रही है, किसी बात को लेकर ये कहती है कि जब जब ये थर्ड पार्टी कुछ आपके पार्टनर के लिए डिसाइड करती है या कोई डिसीजन लेती है, तो आपके पार्टनर क्लियरिटी ना देते हुए उस बात से भागते हैं, उस बात से लड़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्लियर बात करना चाहती है, ये चाहती है कि ये इस तरह की लाइफ नहीं चल सकती, इस तरह का रिलेशन नहीं चल सकता जिसमें झुक झुक कर घुट घुट कर जीना पड़े। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ में कुछ चीजों को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन पार्टनर का मन यहाँ पर पूरी तरह से हट चुका है। पार्टनर यहाँ पर अब एक भी बार ये नहीं सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी के साथ में उनको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, दूसरे डेक से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है, क्या बता रहे हैं कार्ड्स, क्या एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके चलिए इस डेक से देखते हैं डियर कि यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के अंदर क्या खलबली मची हुई है। और आपके पार्टनर को जब से इस थर्ड पार्टी की बातों का पता चला है, थर्ड पार्टी के हाल का पता चला है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, वो क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर, है ना। तो डियर यहाँ पर हमारे पास में स्टक सिचुएशन आई है, यूं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्टक सिचुएशन थी। आपके पार्टनर को बहुत इफेक्ट करा है इस थर्ड पार्टी ने, जब से ये थर्ड पार्टी की खबर मिली है कि ये थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है। देखिए कार्ड सेम के सेम निकल रहे हैं, जब से ये खबर मिली है कि ये थर्ड पार्टी की कोई प्रेगनेंसी है, थर्ड पार्टी कोई प्रेग्नेंट है, या फिर ये थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसा जताया है, बताया है कि ये थर्ड पार्टी जो है प्रेग्नेंट है, तो इसका सोचना है कि आपके पार्टनर शायद इसको एक प्रपोजल दे देंगे, शायद इसको एक प्रपोजल बोला, और देखिए डिवाइन ने प्रपोजल का कार्ड हाथ में दे दिया। तो इस थर्ड पार्टी को लगता है कि जब ये आपके पार्टनर को उल्लू बनाएगी या आपके पार्टनर के सर पर किसी और का पाप जो है वो डाल देगी, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये चाहती है कि पार्टनर इमोशनल होके या स्टक होके ये डिसीजन ले कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ में शादी करेंगे, आपको ही अपना प्रपोजल देंगे, है ना। ये चाहती है ये थर्ड पार्टी, इसकी नियत में यही चीजें दिख रही है। और डियर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी किसी तरह का कोई तो ऐसा मैजिक करेगी, कुछ तो ऐसा मैजिशियन वाली एनर्जी है, कुछ तो ऐसा करेगी जिससे आपके पार्टनर और आपके ऊपर कुछ गलत कर सके। यहाँ पर दिल तोड़ने वाली एनर्जी है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर सकती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बातें यहाँ पर खराब होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने सब कुछ गवा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है एक समय के बाद थक जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ बदलने को तैयार ही नहीं है। पार्टनर यहाँ पास्ट की एनर्जी में पड़े हुए हैं, जैसे पार्टनर को अच्छा लगता है वैसे पार्टनर करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ इस थर्ड पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ये जगलिंग वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे था अभी भी जगलिंग वाला जोन है। और ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, कितने भी प्लान्स क्यों ना कर दे, पर इसके प्यार को पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इसको पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करने वाले, निकल जाएंगे आपके पार्टनर अपनी जिंदगी से और इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से, है ना। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। और डियर कर्मा इसको मिलेगा, ये थर्ड पार्टी ऐसे हालातों में आएगी कि इसकी जिंदगी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन इसकी होने वाली है। और ये लोगों के साथ में सेलिब्रेशन करना, एंजॉय करना, ये वाली एनर्जी में ज्यादा रहती है, लोगों को अट्रैक्ट करना इसकी खासियत रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है इसकी खासियत है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करना, लोगों को अपनी तरफ झुकाना और गलत चीजों को मैनिफेस्ट करती है ये थर्ड पार्टी। बहुत सीक्रेट तरीके से बैठी हुई है ये थर्ड पार्टी, हिडन एनर्जी है डियर ये थर्ड पार्टी की। और ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं रुक रहा है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं खराब हो रहा है और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डियर इस थर्ड पार्टी का जब नाम भी लेते हैं तो पता नहीं क्यों घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। आपने भी देखा है कि इस थर्ड पार्टी का नाम लेने से आपके पार्टनर की जिंदगी जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आई है। आपके पार्टनर अब बस चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को बस पूरा करना चाहते हैं। उनका मानना है कि मुझे इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आना चाहिए, अपनी थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जी है उससे बाहर आएंगे डियर आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो शादी को शायद बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये शादीशुदा हो सकते हैं, मैरिज पर्सन हो सकते हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर के ऊपर जो बर्डन दिया है, पार्टनर के ऊपर जो जिम्मेदारियां दी है उसके चलते यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियों को आपके पार्टनर हैंडल नहीं करना चाहते, आपके पार्टनर इसको अपना कप ऑफर नहीं करना चाहते, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, दूरी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत जल्द एक्शन को लेंगे। और ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फैमिली के लिए भी बहुत कुछ डिसाइड कर चुके हैं, फैमिली के लिए इन्होंने बहुत कुछ डिसाइड किया है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो चुकी है ये थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर के दिल पर दिमाग पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गहरा असर कर रही है। जो न्यूज आपके पार्टनर को मिली है उस न्यूज के मिलने के बाद पार्टनर की हालत जो है वो एक ऐसी हालत है कि आपके पार्टनर ना जी पा रहे हैं ना कहीं रह पा रहे हैं, बस ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो को समझने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है डियर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, डेली अपडेट, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और डियर उनका एक्शन क्या है। और ये भी देखेंगे कि वो कितने टाइम में आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 8 वीक 8 मंथ या फिर 8 डेज के अंदर आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी, वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ बुलाएगी। आपके पार्टनर अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपनी चीजों को सही कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।